कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी चार टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कौन सी, इफ स्टेटमेंट। सेकंड वन इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। एंड फोर्थ वन इज स्विच स्टेटमेंट। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन लैंग्वेज। Firstly, you have discussed about if statement. You have discussed about the if and else statements, but now you have discussed about the if and else statements. Means, अभी जो हम discussion करेंगे वो if else if and else statements के बारे में discussion करेंगे. तो if else if and else के लिए हम एक program discussion कर रहे हैं. उस program में हम क्या discussion करेंगे? Three numbers की value को greatest find out करेंगे. क्या प्रोग्राम का क्या नाम है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे अमंग अस थ्री नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग अस थ्री नंबर। आपके थ्री नंबर्स गिवन है, उसमें से आपने लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहली लाइन कौन सी, प्लीज आप बताइए। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जिसके बाद कोई भी गर्ल्स अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए यहाँ क्या लिखना है। गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। गर्ल्स आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए यहाँ क्या लिखूं मैं। थ्री नंबर्स को ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना अमंग अस थ्री नंबर। गर्ल्स प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गर्ल्स प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए यहाँ क्या लिखना है मेरे को। थ्री नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। देन इंटीजर सर। ओनली गर्ल्स। गर्ल्स प्लीज बताइए। इंटीजर। इंटीजर एक्स एक्स वाई जेड। वाई कॉमा जेड, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना होगा हमारे को? देन इसकी वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करानी है। यूजर से इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर लिखूं मैं यहाँ पे? सर पहले प्रिंट करवाओ। सर पहले प्रिंट कराना। यस सर। तो क्या हो जाएगा? प्रिंट एंटर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। आपको प्रिंट अप नहीं दिख रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा हूं। तो कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। यहां पे प्रिंट ऐसे क्यों आना चाहिए? ऐसे क्या है? ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई हमारे पास कि यहां पे प्रिंट अप ही आना चाहिए? सर फिर यूजर को स्कैन अप। सर भाई स्कैन अप, स्कैन अप में सर यूजर एंटर करवा देगा पर वो सर प्रिंट नहीं आएगा। वो प्रिंट नहीं होगा। हां सर। सर अगर प्रिंट अप लगाएंगे तो यूजर को यूज करने में आसानी होगी। सर यूजर को यूज करने में आसानी होगी, उसे पता चल जाएगा सर प्रिंट लिख करवाना क्या है। प्रिंट अच्छा करवाना क्या है? अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे को पता है अभी क्या करना चाह रहे हैं हम। देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एप लिखता हूँ, अगर आपने यहाँ पे प्रिंट एप लिखा, अगर हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी। अगर आप इस एंटर फर्स्ट नंबर को हटा के यहाँ पे रिप्लेस करके अगर आपने सीधा ही स्क्रीन एप यूज करा और आपने ऐसे यूज करा परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एंड परसेंट ऑफ एक्स एंड परसेंट ऑफ वाई n person of z, अगर आप ऐसे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ आपको
स्क्रीन के ऊपर ऐसी चीजें लिखी हुई आई, नहीं समझ रहे हो आप? जो आपकी आउटपुट कलर, आउटपुट जो स्क्रीन आएगी, आउटपुट स्क्रीन ब्लैक कलर की, आउटपुट स्क्रीन पर अगर प्रिंट एफ आपने लिखा है तो जो आपने प्रिंट एफ में डाला है एज इट इज आपको स्क्रीन पे आएगा ब्लैक कलर वाली स्क्रीन पे। लिखना चाह रहे कुछ भी, मेरे को डायरेक्ट पता है मेरे को 3 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं तो मैं 3 नंबर सीधे स्क्रीन एफ में डाल देता हूँ। प्रिंट एफ का तो यहाँ अगर आप लिखना चाह रहे हो अभी आप अनम्यूट हो चुके हो, चलो ठीक है। अगर आप, हाँ हमने बात कर रहा था प्रिंट एफ की, अगर मैं प्रिंट एफ में डबल कोट्स में कुछ भी लिख रहा था, क्या लिख रहा था, मैंने लिखा मान लो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, कुछ भी लिखा मैंने, तो एज इट इज आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। बट आप एज इट इज शो नहीं कराना चाह रहे, आप सिर्फ यूजर से इनपुट चाह रहे हो, आप किसका यूज करोगे, स्कैन एफ का यूज करोगे। और स्कैन एफ कितनी वैल्यू आप यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हो, 3 वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हो, तो 3 वैल्यू हमने डाल दी यूजर से इनपुट करा ली, हम प्रिंट एफ का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं तो जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट एफ आएगा ही आएगा, आपका लॉजिक आप चेक कीजिए, आपको 3 नंबर से यूजर से इनपुट कराने हैं तो आप 3 नंबर कोई भी डाल सकते हो, उसमें से ग्रेटेस्ट आता है। हाँ अगर आप लिखा हुआ चाह रहे हो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर या एंटर थर्ड नंबर, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा, तब आपको प्रिंट एफ नाम के स्टेटमेंट का आपको यूज करना है। अगर डायरेक्ट आप वैल्यू डालना चाह रहे हो तो वो किसके हिसाब से आप यूजर से इनपुट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ। चीज समझ में आई? चलो हम एक स्क्रैबल प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को पूरा रन करवाएंगे तो मैं आपको प्रिंट एफ लगा के और हटा के मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करूंगा। अगर आप प्रिंट एफ लगाओगे तो आपके सामने क्या आंसर आएगा, और प्रिंट एफ लगा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, हटा दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अभी अभी ये चीज समझ में आ रही है? आपने 3 नंबर यूजर से इनपुट कराए, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। स्कैन एफ बताना सर, स्कैन एफ दोबारा से बता दूं? यस सर। देखो सबसे पहले चीज स्कैन एफ नाम का फंक्शन कौन से इंटरप्राइज में होता है? स्टूडियो डॉट एच पे आर के इंटरफेस यूज कर दी हमने। हां हमने स्कैन एफ को यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमने वो इंटरप्राइज लगा रखी है? यस सर। स्कैन एफ यूज कर सर, सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नो सर, नो सर, आप क्लियर आ रही है? नहीं सर क्लियर नहीं। क्या सर भी मेरी आवाज क्लियर नहीं? नो सर, आवाज साफ अब आ रही है। द वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आप क्लियर है ना आवाज? करें स्टार्ट। यस यस सर। हमने स्कैन एफ नाम का फंक्शन यूज करा। स्कैन एफ नाम का फंक्शन कौन सी लेटर फाइल में होता है? स्टूडियो डॉट एच में। लगा रखी है नहीं लगा रखी? यूज कर रखी है नहीं कर रखी है? ठीक है, तो हम यूज Yes, sir. हम स्कैन एफ नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्कैन एफ नाम के फंक्शन में मैंने कितनी बार परसेंटेज दी लिखा हुआ है? 3 बार। 3 times मैंने क्यों प्रिंट एफ परसेंटेज दी का यूज कर रखा है? 3 इंटीजर लिए हैं सर। 3 इंटीजर लिए हैं तो 3 इंटीजर्स को यूजर से इनपुट कराने के लिए हमने कितनी बार डी लिखा है यहाँ पे? 3 बार। 3 बार डी लिखा हुआ है। समझ में आया अब आपको 3 बार डी क्यों लिखा गया यहाँ पे? Yes, sir. तो से इनपुट कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे को 3 बार परसेंटेज डी पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल किसका है? एंड का। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या कहता है? एक्स के एड्रेस के ऊपर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, वाई के एड्रेस के ऊपर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं,
और जेड नाम के वेरिएबल के अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे n परसेंट ऑफ जेड लिखा गया, n परसेंट ऑफ वाई लिखा गया, n परसेंट ऑफ एक्स लिखा गया। ठीक है जी, अब चीज समझ में आ गई, मतलब थ्री वैल्यू आप कोई भी वैल्यू जो यूजर्स को सही लग रही है वो यहाँ पे आप इनपुट करा सकते हो। ठीक है जी, चले हम आगे। यस सर। हाँ, मैंने इफ अगर x की वैल्यू वेक्टर देन ऑफ y है एंड x की वैल्यू वेक्टर देन ऑफ क्या है z, ग्रेटर है किससे y से, और अगर x की वैल्यू किससे ग्रेटर है z से, तो क्या ग्रेटर है इस थिंग के, x इज ग्रेटर, ग्रेटर तो आप इस थिंग के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, प्रिंट एफ x इज बिग या x बिग, या जो आप लिखना चाह रहे हो x is big or x is greater, जो भी आपको सही वर्ड लग रहा है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इफ वाली कंडीशन इस अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप कहाँ जाओगे, तो आप कहाँ जाओगे, else if के पास जाओगे। अगर y की वैल्यू ग्रेटर है x से एंड y की वैल्यू ग्रेटर है किस से, z से, ग्रेटर है इस थिंग इज ग्रेटर वाई, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखाएगा, वाई इज बिग और ग्रेटर। अगर आपके इफ वाली कंडीशंस भी आपके पास फॉल्स हो जाती है, एल्स इफ वाली कंडीशंस भी आपके पास फॉल्स हो जाती है, तो हम कहां जाएंगे, एल्स के पास, जेड इज ग्रेटर, इसके बाद हम कहां क्या स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जी ए गेट सी एच। स्क्रीन के ऊपर क्या लिख पाया, देखो अभी देखो मैं प्रिंट करा था स्टार्टिंग के अंदर, देखो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया ना, आपने कोई भी वैल्यू इनपुट कराई 10, 20 और 30, आपके पास क्या आंसर आएगा, z is big, क्या आ रहा है आपके पास आंसर, z is big। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टैप लगा रहा हूँ, देखो अभी आपने प्रोग्राम को रन करवाया तो आपके पास कुछ भी, देखो पीछे वाली आउटपुट तो आ रही है आपके पास, पीछे वाली आउटपुट को क्लियर करने के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं, क्लियर स्क्रीन, सीएल नाम का फंक्शन लगाते हैं। अब देखो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, नो सर, से कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी आपको, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट विंडो है, आउटपुट विंडो के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा, नो सर, कोई भी तीन वैल्यू आप इनपुट डाल दीजिए, मान लो 11, 12 और 13 आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी, आपके पास क्या आंसर आएगा, z is big, तो z is big आ रहा आपके पास आंसर। अब देखो मैं वहां उस प्रिंट एफ को यूज करके दिखा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा होता और अगर ऐसे लिखा होता एंटर, क्या लिखा होता आपने, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कॉमा अगर आपने लिखा होता थर्ड नंबर, ये चीज आपके पास एज इट इज आंसर के रूप में दिखाई देती है, दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है, कोई भी फर्स्ट नंबर डाले, 11 डाला, मान लो 13 डाला और मान लो 12 डाला, तो आप कौन से स्टेटमेंट इज बिग है, 13 वाई है, वाई इज बिग और ग्रेटर, और डाउट है सर, फिर से बता दो सर, मेरे सर इनको कॉलम में जचाना हो तो, इनको कॉलम में सेट करना हो, देखो कॉलम में सेट करना हो पहले उनकी वैल्यू को अलग से निकालना पड़ेगा आपको सर। हाँ जी सर, जैसे इफ एल्स इफ इनके नीचे जो ब्रैकेट्स के साइन यूज कर रखे हैं ना आपने, अकेला ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ऑफ ब्रैकेट के साइन यूज किए हैं, इनका क्या मतलब है सर, इनका क्या मतलब है, देखो इनका क्या मतलब है, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है, फर्स्ट केस लेते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू, देखो इस के साथ जो मैंने ब्रेसेस लगा रखे हैं, इस चीज को हैं
असली हमने इस चीज को चेक करा, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इस ब्रेसिस के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आपका फर्स्ट केस ट्रू होता है तो। फर्स्ट केस ट्रू होता है तो इस ब्रेसिस के अंदर हमने जो भी चीज लिख रखी है वो आपकी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट प्रिंट हो जाएगी। अगर आपकी हाँ प्रिंट हो जाएगी, अगर आपकी कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाएंगे, else if के पास जाएंगे, इस चीज को हम चेक करेंगे। If else if condition is true or false, मान लो true हुई तो इस braces के अंदर हमने जितनी भी statements हमने लिखी थी, यहाँ पे फिलहाल हमने एक ही print tag लगा रखा है, अगर आपने दो print tag लगा रखा है तो दोनों आपके क्या हो जाते आंसर में आ जाते, प्रिंट हो जाते, एक्सिक्यूट हो जाते आप। तो इन ब्रेसेस का ये मतलब है ये चीज यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे एंड है, else if यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे एंड है, else यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से एंड। तो वही वही स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, कहाँ से चीज स्टार्टिंग हुई कहाँ से उसकी एंडिंग हुई, कहाँ से else if की स्टार्टिंग हुई कहाँ से एंडिंग हुई, कहाँ से if की स्टार्टिंग हुई कहाँ से if की एंडिंग हुई। आपको राइट करने पड़ेंगे तीनों स्टेटमेंट्स कौन कौन से, if भी आपको राइट करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा आपको, else if भी आपको लिखना पड़ेगा और else भी आपको लिखना पड़ेगा, बट if या और else if और else तीनों में से क्या होगी, कोई एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, या तो आपका if execute होगा या आपका else if execute होगा या आपका क्या execute होगा else execute हो जाएगा। तीनों में से statements आपको तीनों लिखनी पड़ेगी, but तीनों में से execute सिर्फ या तो if होगा या else if होगा या आपका क्या होगा else। हाँ जी आप बताइए, और कोई doubt हो? No sir। और किसी का कोई doubt हो? हाँ जी कोई doubt है? No, sir. कोई भी डाउट नहीं है ना? देखो आप कह रहे थे ना कि मैंने उसको कॉलम्स के अंदर लेकर आना है, कुछ डिजाइन सेट करना है, तो डिजाइन भी आपका सेट करवाएंगे कि फ्री नंबर्स को आपने कॉलम्स के अंदर लाना हो तो क्या आंसर कैसे ला सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको आना चाहिए, तो पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आसानी से जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए ना उस फॉर्मेट में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते। आवाज स्लो आ रही है सर। आवाज स्लो आ रही है, अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आपको कोई भी डाउट हो बताइए प्लीज। इस प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स इफ और एल्स वाले प्रोग्राम में कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप बता सकते हैं। नो सर। प्लीज थम्स अप कीजिए अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, आपका अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है प्लीज थम्स अप कीजिए। एक सिर्फ रेडमी का थम्स अप आया है, जैसे काजल का थम्स अप, दीपक का, सुमित का। एक बार रिपीट करवा दो सर। हाँ रिपीट करवा दो सर, एक बार रिपीट करवा दो। क्या चीज समझ में नहीं है आपको? इल्सेफ वाली समझ में नहीं आ रही जी। इल्सेफ वाली समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं है आपको? पहली कंडीशन इज ट्रू तो आपका इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड में अगर इफ आपका फॉल्स हो रहा है तो कहां जा रहा है वो, एल्स इफ के पास जा रहा है। else if is true then else if वाली statements आपके पास execute हो जाएगी, if this condition is false तो आप else के पास ले जाओगे। if कब execute होगा? जब if वाली condition is true। if वाली condition is false तो आप कहाँ जाओगे? else if के पास जाओगे। if condition is true या false, true है तो आपका else if वाला part execute, अगर condition is true तो आप else के पास जाते हैं, else आपको execute। सर अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस प्रोग्राम में हमें एल्स इफ और एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखना पड़ेगा आपको, मैंने अभी आपको यही कहा कि आपको इफ भी लिखना पड़ेगा, एल्स इफ भी लिखना पड़ेगा और आपको एल्स भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इफ वाली, चलो आपका केस लेते हैं, आपने एक पूरी पुट करी, अगर इफ वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो हमारे को else if अगर हम नहीं लिखेंगे तो false होएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ जी वो तो सिंपल if का काम हो गया ना, अगर आपकी if वाली conditions आपके पास क्या हो जाती है, false हो जाती है, अगर आपने if लिखा है if condition आपके पास false होगी तो फिर क्या आंसर आएगा आपके पास? फिर तो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा ना। हाँ जी if वाली yes, sir. आंसर आएगा, else if वाले केस के अंदर तो कोई आंसर नहीं आएगा।
ठीक है जी। यस सर। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए सर। अगर ये इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे x इज बिगर लिखा आता है, तो इस x की जगह ये वैल्यू नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती, नहीं आ सकती। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैंने इस परसेंटेज d लिखा और मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया तो क्या वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाएगी? चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रोग्राम इज रन, मैंने डाला एक्सेस बिग लाना चाह रहा हूँ, मान लो 14 डाला, 13 डाला, 12 डाल दिया। अब देखो इस केस में क्या क्या प्रिंट हो रहा है, 14 प्रिंट हो रहा है ना। अगर ऐसा लिखना चाह रहे हो एक्सेस बिग, और अगर इसके साथ सर वैल्यू के साथ ही पीछे ये भी लिखा होना चाहिए इज ग्रेटर, वैल्यू फिर ग्रेटर, वैल्यू भी प्रिंट हो और उसके साथ ग्रेटर का सिंबल भी चाह रहे हो आप। यस सर। इज इधर लिख, अब देखो क्या लिखा हुआ है। देखो मान लो मेरे पास कुछ वैल्यू डालो, मैंने 13 डाल दी, 12 वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो क्या है सबसे पहला 13 इज बिगर लिखा हुआ आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। यस सर। इसको भी लिख सकते हो, जहां पे बिगर लिखा हुआ है वहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप वहां पे, परसेंट डी इज बिगर is bigger ना। Yes sir। और फिर आप किसको प्रिंट करा दोगे यहाँ पे, y last line पे। okay no sir। Yes। अब आप प्रोग्राम के अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो देखो आपके लिए ही चीजें समझाने के लिए ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाला गया है। ठीक है जी, आपको सारी चीज क्लियर है? यस सर। इफ एल्स इफ और एल्स में कोई डाउट नहीं है ना? हां जी सर। अब हमने ये इफ एल्स एल्स इफ वाला ये प्रोग्राम क्या है सर, तो इसमें इफ और एल्स का क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? यस सर। देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड बोलते हैं, जिनका पहले से ही मीनिंग रिजर्व है। तो इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, एल्स इफ एक कीवर्ड है, जो आपको ब्लू जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट कलर दो चीज दिखाई दे आपको, तो एल्स एक आपको इफ दिखाई दे रहा है, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स मतलब जिनका जिनको आप मतलब जहाँ पे आप तो उसके अलावा दूसरा वर्ड बुक नहीं कर सकते, जिनको रिजर्व वर्ड बोलते हैं, जो रिजर्व कर रखे हैं पहले से ही। अब इफ की जगह तो इफ ही आएगा ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एल्स जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप एल्स लिख सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इनको कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनका मीनिंग डिफाइन होता है। इन सब आपको चीज क्लियर है? इसकी जगह यहाँ पे दूसरा वर्ड आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग दूसरा वर्ड यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपने इसका यूज करना है वहाँ पे आप इफ की यूज कर सकते हो, इसकी जगह दूसरा वर्ड पुट करना है। इनको कीवर्ड्स बोलते हैं सी। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट हो? नो सर। और किसी स्टूडेंट्स ने कोई भी क्वेरी पुट करनी हो, कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो प्लीज बता दीजिए। इस प्रोग्राम को रन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगा मैं? कंट्रोल प्लस F9। करना हो तो
एल्ट प्लस ऑफ नाइन एल्ट प्लस ऑफ नाइन प्लस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड रन क्या डिफरेंस होता है कंपाइल करने में और रन कंपाइल में सर एरर बताता है कंपाइल में वो एरर रन में आउटपुट देता है सर आउटपुट देता है सर हम किसका रन किसके यूज करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड रन कंपाइलर यूज फॉर बेसिकली चेक द एरर्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रन आउटपुट के लिए सर आउटपुट जो ना कोई तो मेरे को पता चलेगा आउटपुट के लिए यूज करते हैं ठीक है जी इफ एल्स फॉर एल्स में कोई भी डाउट नहीं है ना किसी को जी कोई भी डाउट सर एक बार जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी ब्लैक कलर किसने दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लू कलर किसको यस सर अगर मैं आपसे कंपाइल में पूछ रहा हूँ देखो नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ है Alt plus F9 आर यू बेसिकली यूज फॉर द कंपाइल देखो नीचे दिख रहा है ना F1 यस सर और सर आप स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आप ना एक प्रोग्राम आप बोर्ड डिस्कशन यहां पे सर आपकी आवाज कट रही है सर लो भी आ रही है सर बहुत हेलो यस सर नो सर नहीं आई सर लो आ रही है सर वॉल्यूम इंक्रीज करो सर कुछ अभी अभी क्लियर है यस सर सर हेलो सर मैंने एक एड का प्रोग्राम बनाया था दो नंबर को तो सर जो दो नंबर अगर मैं बड़े ले रहा हूँ ना तो उसका ऐड का जो समय वो गलत आ रहा है ऐड का समय वो गलत आ रहा है तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया देखो वैसे इंटीजर की रेंज कितनी होती है इंटीजर की रेंज होती है 3 to 7 6 7 2 to 3 to 7 6 7 सर आवाज नहीं आ रही अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको यस सर हाँ जी आप कह रहे हो कि मेरे दो नंबर सर ये पीछे और आवाज आ रही है सर आपके अलावा मेरे अलावा माइक बंद करवा दो सर एक बार सब हाँ एक बार सभी आप अपने आप को सर म्यूट कीजिए आप अपने आप को हेलो चलो अगर आपने क्वेश्चंस में से पुट करा देखो जो भी स्टूडेंट्स प्लीज क्वेश्चन पुट कीजिए वो अपने आप को सर अनम्यूट करेगा बाकी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए अपना ताकि उस बच्चे की प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके अभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पुट करा कि अगर मैं दो नंबर बड़े ले रहा हूँ ज्यादा वैल्यू डाल के मीन्स मैं 40,000 वैल्यू डाल रहा हूँ देखो वैसे इंटीजर की रेंज होती है -3 to 7 6 8 to 0 to 3 to 7 6 7 लेकिन आपका नंबर किस टाइप का है आपने वैल्यू तो कितनी डाली आपने 40,000 डाली है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं उसका प्रोग्राम अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मीन्स अगर 3 to 7 6 7 से भी वैल्यू अगर आप ग्रेटर ले रहे हो बड़ी ले रहे हो लार्जर वैल्यू ले रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे उस केस में आप इंटीजर से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा मैं आपको अभी यूज करके दिखा रहा हूँ उस प्रोग्राम को रन भी करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अभी यस सर आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा
इसके बाद दूसरा नंबर क्या है हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच कोई डाउट है वाइड में नो सर वाइड में ब्रेसेस स्टार्ट देखो मैंने इंटीजर लिखा था एक्स कोमा वाई कोमा मैंने जेड नाम का वेरिएबल लिखा था तो सही है ना ऐसा ही था ना कुछ बट इससे पहले मैंने कुछ दिया लॉन्ग का लॉन्ग तो एक्स के अंदर आप कितनी वैल्यू डाल सकते हो 40,000 है वाई के अंदर कितना है 40,000 है जेड के पास क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्रिंट एफ किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए सम इज इक्वल टू आवाज कट रही है सर हेलो यस अभी आवाज क्लियर आ नो सर अभी क्लियर नहीं आ रही नहीं सर किसी को भी नहीं आ रही नो सर सर माइक में प्रॉब्लम है जी सर माइक में प्रॉब्लम लग रही है माइक में मैंने माइक को ऊपर भी सेट करके देख लिया मैंने माइक को थोड़ा सा नीचे भी सेट करके देख लिया मैंने हर एंगल से माइक को जो है मैंने सेट करके देख लिया फिर भी चलो कोई बात नहीं जितनी आवाज आप तक आ पा रही है कोई बात नहीं अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको यस सर यस सर अब देखो मैंने आपने कहा आप जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट करा कि दो नंबर अगर मैं लार्जर ले रहा हूँ मीन्स इंटीजर से लार्जर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं इंटीजर से पहले क्या लिखेंगे हम लॉन्ग का यूज करते हैं और किसी भी लॉन्ग वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एल डी का हम यूज करते हैं एल किसके लिए होता है सॉरी लॉन्ग के लिए डी किसके लिए होता है इंटीजर अब देखो मैं कौन सी वैल्यू को यहां पे प्रिंट करवाऊंगा जेड को मैंने प्रिंट कराया इसके बाद इसको क्या मिला गेट सिस्टम में यूज करते हैं गेट आंसर कितना आना चाहिए आपके पास 80,000 आंसर इज व्हाट 80,000 कितनी वैल्यू का सम कर सकते हो कोई भी 10 डिजिट तक की वैल्यू ले सकते हो आप 10 डिजिट 10 डिजिट 10 डिजिट से ज्यादा होता सर करिए 5 डिजिट यूज करिए अब आप 5 डिजिट 4 का भी सम कर सकते हो रोटी बड़ी जैसे आप मालूम करा होगी यहां पे बात की के बारे में ये बहुत आदमी भी सम करा सकता है अभी आपको ये चीज क्लियर है यस सर यस सर ठीक है ना तो ऐसे आप सम करा सकते हो उसको लॉन्ग लगाना डाउट हो किसी स्टूडेंट को स्टूडेंट्स को कुछ नहीं समझ में आ रही तो प्लीज पूछ सकते हो आप स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि बिल्कुल सही बात है उससे बड़ा नंबर तो आपको क्या करना पड़ेगा लॉन्ग लिखना पड़ेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको पता होना चाहिए देखो नंबर तो माल आपको 40,000 का ही समझ नहीं कर पा रहे तो फिर आपको है ना आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा उससे पहले बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा आपने ना माय गुड हां जी कोई डाउट नहीं है ना नो सर अब हम देखो हम एक प्रोग्राम और डिस्कशन करना चाह रहे हैं यस सर देखो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसका यूज करूं इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करूं यूज करूंगा इफ का एल्स इफ और एल्स का यूज करूं मैं चाह रहा हूं कि आपके अगर मार्क्स आपके मार्क्स कितने 100 में से हैं अगर आपके मैथ के मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं तो आपके पास ए ग्रेड शो हो जाए
अगर आपके मार्क्स जो हैं 100 से लेकर 70 के बीच में अगर कोई भी मार्क्स आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो 75 आ रहा है, चाहे वो आपके पास 70 आ रहा है, चाहे वो 100 आ रहा है, तो आपके पास ग्रेड शो करे क्या, ए ग्रेड आपके पास शो करे। मीन्स आपकी आउटपुट जो स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आपने 75 डाला तो आपके पास ए ग्रेड आना चाहिए। अगर आपने 50 से 70 तक कोई भी वैल्यू डाली, जिसमें 50 भी इंक्लूडेड है, 69 तक आप लगा के चलो, 50 से 69 तक की जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट की, तो आपको मैथ में तो आपके ग्रेड क्या शो करे, आपके पास बी ग्रेड शो करे। और अगर आपके मार्क्स 50 से लेस देन है तो आपके पास क्या ग्रेड शो करे, सी ग्रेड शो करे। उसके लिए आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे, आपको समझ में आया? यस सर। तो रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, प्लीज क्वेश्चंस सर एक्स्ट्रा माइक बंद करवाइयो। तो गए आप, चलो देखिए आप, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, प्लीज आप उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए। उस प्रोग्राम आपने डिजाइन करना, क्या प्रोग्राम डिजाइन करना है, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए आप, मान लो आपने मैथ नाम के सब्जेक्ट्स को आपने ले लिया, अगर आपके मैथ के जो मार्क्स है 70 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो आपके पास क्या ग्रेड शो करे, ए ग्रेड। अगर आपके मार्क्स जो है 50 से 69 के बीच में आ रहे हैं तो क्या ग्रेड शो करे आपके पास, बी ग्रेड आपके पास शो करे। अगर आपके मार्क्स लेस देन 50 आ रहे हैं तो आपके पास क्या ग्रेड शो करे, वो सी ग्रेड शो करेगा। एक ऐसा प्रोग्राम हमने डिजाइन करना है, और किसका यूज करना है, आपने इफ का यूज करना है, एल्स इफ का यूज करना है और एल्स का यूज करना है, ठीक है जी। तो आप प्रोग्राम आपने जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम कब होगी मेरी नेक्स्ट क्लास, जी मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके प्रोग्राम जो है आपसे मैं डिस्कशन करूंगा और आपके प्रोग्राम को जो है वो हम डिजाइन करेंगे, ठीक। आपको क्वेश्चंस पता लग गया, प्रॉब्लम पता लगी, प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। हाँ जी, आपको प्रोग्राम में कोई चीज नहीं समझ में आई हो, आपको क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बता सकते, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं यही वाला प्रोग्राम आपकी हेल्प से डिजाइन करूंगा। आपको पता होना चाहिए ना आपको कौन सा प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा। अच्छा ठीक है, प्लीज बताइए आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट। यस सर। क्वेश्चंस में आ गया सभी को, प्लीज नो। हाँ जी हाँ जी, प्लीज थम्स अप कीजिए आपको क्वेश्चंस में। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्या था? अच्छा आपके पास सभी पैर भी आपके पास मैं वो प्लीज अपनी माइक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है, किसी और की आवाज आ। वॉइस क्लियर होगी आपके पास? अनम्यूट कर दो सर, सबको म्यूट कर दो। या कर दिया, ऐसे करते मैं कर देता हूँ अनम्यूट करना सबको, ठीक है। अभी मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए आप, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, अगर आप अभी आपके पास नोटबुक नहीं है प्लीज आप अपने माइंड में इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, माइंड में आप नोट कीजिए क्या है। सिंपल से क्रम है, अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, मान लो मैंने कोई भी एक मैथ नाम के सब्जेक्ट को पिकअप कर, अगर मैथ के अगर आपके मार्क्स जो है, मार्क्स आपके 100 में से हैं, अगर मेरे मार्क्स, मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मेरे मार्क्स 70 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो मेरे पास क्या ग्रेड शो करे, ए ग्रेड शो करे। अगर मेरे मैथ के जो मार्क्स हैं अगर 50 से 69 के बीच में आए तो आपके पास बी ग्रेड शो करे, और अगर आपके मार्क्स जो है वो लेस देन 50 हो मतलब तो 49 से कम हो तो आपके पास क्या ग्रेड शो करे, सी ग्रेड आपके पास शो करे।
आपने इस स्टेटमेंट्स को, इस प्रोग्राम को आपने किसके हेल्प से डिजाइन करना है, इफ एल्स इफ और एल्स की हेल्प से आपने इसको डिजाइन करना है। ठीक है जी, अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपसे ये प्रोग्राम, आपकी हेल्प से ये प्रोग्राम मैं आपसे डिजाइन करवाऊंगा, क्योंकि देखो अभी हम प्रोग्राम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही है, प्रैक्टिकल भी आपको क्लियर होता जा रहा है। तो देखो आपसे प्रोग्राम में पूछूंगा, प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप जितने प्रोग्राम खुद की हेल्प से डिजाइन करोगे उतनी आपको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी, ओके। तो आज की क्लास कैसे रही, इंटरेस्टिंग क्लास थी? प्लीज सर, इंटरेस्टिंग क्लास थी? अगर आपको लग रहा है कि दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग सो प्लीज थम्स अप। और एक अपने आप सारे वीडियो जो है वो भी आप ओपन कीजिए, वीडियो के साथ ओपन कीजिए अपना। वीडियो ओपन करके सभी सर वीडियो में इसलिए ओपन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्लासेस चल रही है, आप एक्टिव रहो उसके लिए। ठीक है, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास किस चीज की है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा अभी अभी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। सर ये कह रहे हैं कि आज आपकी जो क्लास है डायरेक्टर सर कहीं बिजी हैं, वो पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टर सर की जो क्लास है वो आज नहीं होगी और उसकी जगह आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी है डायरेक्टर सर के बाद में?